नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर अमरोहा से है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ अमरोहा पहुंचे राकेश टिकैत। आपको बता दें कि भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जनपद अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में पहुंचकर किसानों के साथ खड़े होकर कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में उनके साथ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। साथ ही मुरादाबाद में किसानों के साथ हुई नोकझोंक से किसानों में रोष दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज अमरोहा के गजरौला में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगामी 26 जनवरी को होने वाले परेड में अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ तिरंगा लगाकर शामिल होंगे। तब देखेंगे कौन वाटर कैनन चलाता है और तब पता चल जाएगा कौन देश प्रेमी है और कौन खालिस्तानी, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी। दरअसल आज राकेश टिकैत मुरादाबाद के मुंडा पांडे स्थित टोल प्लाजा पर किसानों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, क्योंकि 3 दिन पूर्व वहां पर किसानों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था और किसानों को 8 से 10 घंटे तक रोका गया था। रिपोर्ट कविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24। रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? यहाँ पे 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने जो किसान जत्थेबंदी जा रहे थे यहाँ से, किसान जा रहे उनके साथ में मारपीट करी। आज हम देख रहे हैं आज भी बहुत संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। और हमारा भी यहाँ की सरकार उसे नहीं है, हमारा क्या उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारा उत्तराखंड सरकार से, बिहार सरकार से, अभी भारत सरकार से हमारा हुआ है। हमको आने जाने से परेशान ना करा जाए। किसान रुकेगा नहीं, किसान जाएगा। जब यहाँ की बात आएगी, गन्ना भुगतान की बात आएगी, यहाँ के धान का पेमेंट नहीं है उसकी बात आएगी, जब ये सरकार बात कर लेना। लेकिन अभी भी आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फिर भी केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर आगे भी केंद्र सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है किसानों को, तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? देखो, हमारा तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पर चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है तिरंगे झंडे पे, वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठिया कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा सही। तो 26 जनवरी में उस दिन चलेंगे, 1 महीना है, इंतजार करो। अच्छा, साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि बोले अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, तो ठीक बैठ जाएगी वो, अभी तो पहले अनशन पे तो बहुत बार बैठ जाएगी, अभी ठीक रहेगा। आज मोदी जी ने अपने मन की बात में बहुत सारी चीजें बताई, कुछ किसानों से फायदा किया और फायदे गिनाए उसके, तो वो कह रहा है कि ये तो भ्रम है एक तरह से विपक्ष का, और वो उन्होंने किसानों को इससे बिल से फायदा होगा। हाँ, बिल से फायदा बताओ। हमने ये कहा कि हम खेती करते हैं, खेती की दवाई महंगी होगी, ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो गया, मजदूर महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया। हमने खेत बोया और खेत जो धान की खेती करी वो आधे रेट में बिकी। 1800 रुपए का धान हमारा 800 रुपए में बिका, फसलें आधे रेट में बिकी, आमदनी हमारी दुगुनी होगी। उसे हेडमास्टर से मिलवाए दो हमको भी, हम उसी तो मिलने जा रहे। जो मास्टर जी है गणित का, उस गणित के मास्टर जी से मिलवा दो, जो उनका फार्मूला है वो हमको भी बता दो भाई। ऐसा फार्मूला तो देश को बताना चाहिए। कहते पहले एमएसपी की बात थी समर्थन मूल्य की, अब उसके बाद में दूसरी चीजें उठाई जा रही है। ऐसा है, जो बंदर होता है ना, जब बुढ़ापा आ जाओ तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता, अब ये गुलाटी मार रही है अभी। अरे, हमारा पहले भी सवाल ये था, MSP जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का सपोर्ट नहीं होगी, तो जब तक ये आधे में धान लुटता रहेगा, हमारी जो फसलें लुटती रहेगी, व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून देश में बाद में आया। इसका मतलब व्यापारियों की पहुंच PMO तक है, पार्लियामेंट के कुर्सियों तक व्यापारियों की पहुंच हो गई है, तो देश बर्बाद होगा, देश को नहीं कोई बचा सकता। मतलब ऐसी क्या सिरदर्दी हो रही है इनके भाई, कानून के लेके हटेंगे नहीं। फिक्की चैम्बर में कहते हैं व्यापारियों के चैम्बर में जाके कि कृषि कानून बहुत बढ़िया है, किसानों को फायदा होगा, कह रहे व्यापारियों को,
और फायदा होगा किसान को, वो गणित समझ में नहीं आ कौन सा फार्मूला है।